मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र के नेतृत्व में आज छत्रीपुरा चौराहे सहित अन्य चौराहों पर घर घर जाकर नगर निगम द्वारा की गई टैक्स की वृद्धि और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आम जनता पर टैक्स लगाए जाने के विरोध में शिवराज सिंह चौहान का मुखौटा लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, नीतीश भारद्वाज, संजय शुक्ला ने कहा कि कोरोना जैसी बीमारी से आम आदमी की कमर टूट गई है और यह जनता पर सीधे सीधे सरकारी डकैती है। वहीं नई दर के हिसाब से साधारण मकान वाले आम आदमी को भी 10 से 12 हजार रुपये से ज़्यादा सालाना टैक्स जलकर के नाम से चुकाना होगा। पहले ही महंगाई से आम आदमी की स्थिति बहुत खराब है। टैक्स वृद्धि का आदेश शीघ्र ही निरस्त करने का अनुरोध मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किया है, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हमने जिस तरीके से चाहे पानी जो नल आते हैं उनका 200 रुपये के बजाय 400 रुपये दुगना टैक्स लगा दिया, चाहे कचरा हो चाहे कोई सा भी टैक्स हो, हर चीज पे शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है नया नया टैक्स आम जनता पे थोप दिया है, चाहे व्यापारी हो चाहे आम जनता हो चाहे जो है ठेले चलाने वाले हो, रिक्शे चलाने वाले हो या छोटी दुकान चलाने वाले हो चाहे मजदूर हो, हर उस पे जो है अतिरिक्त भार जो है नगर निगम ने जो है टैक्स बढ़ा के भार बढ़ा दिया है। पहले ही महंगाई और कोरोना के कारण आम जनता परेशान है। आज हमने इसी को लेकर जो है चौराहों पर हस्ताक्षर अभियान जो शिवराज सिंह जी का मुखटा लगाकर और हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जो टैक्स नगर निगम ने बढ़ाया है, इसका विरोध करेंगे और ये आंदोलन लगातार घर घर जाकर जनता का समर्थन लेंगे। इसी के तहत आज हमने चौराहों पर और घर घर जाकर इस अभियान को चलाया। मैं देवेंद्र सिंह यादव, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र प्रदेश अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।